हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो एफिलिएट मार्केटिंग सबसे हॉट टॉपिक है आजकल, डिजिटल मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स की बात करा जाए या फिर लोग इसका कोर्स करवा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग का और बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली बात हम आज करेंगे पूरा एफिलिएट मार्केटिंग पे, एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है और कौन कौन सी बड़ी बड़ी साइट्स हैं जो लाइक करोड़ों रुपए अर्न कर रही हैं इसे और बहुत बड़ा उनका ब्रांड बना हुआ है। तो और एफिलिएट मार्केटिंग कौन सी ई कॉमर्स साइट है जो आपको मौका देती हैं ऑनलाइन पैसा कमाने का, ये ऑनलाइन पैसा कमाने का जरिया है। तो आजकल जो फेमस साइट है मैं आपको बता दूं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, वैसे तो मिंत्रा भी है, जबोंग भी है, शॉप क्लूज भी है, पेटीएम भी है, मतलब चार साइट अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही फेमस हैं। अमेजन तो लाइक इससे तो लोग 1 करोड़ से ले करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फ्लिपकार्ट भी नंबर 1 पे चल रहा है ना, तो आपको पता है अमेजन की साइट किस टाइप की है। तो इनके प्रोडक्ट को आप प्रमोशन करेंगे। प्रमोशन क्या होता है, सपोज करो जैसे आप मूवी देख के आए सलमान खान की और आप लोगों से बता रहे वाह क्या मूवी थी यार, एक बार जरूर जाके देखो, तो सलमान खान आपको पैसे थोड़ा ना दे रहा है। बट यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लेते हो और आप प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप अपने वेबसाइट पे वो लिंक देता है एफिलिएट। एफिलिएट जब बनेंगे तो लिंक वो मैं बताऊंगा, तो एक लिंक मिलता है, वो लिंक शेयर करेंगे आप ब्लॉगर पे, फेसबुक पे, और उस लिंक से जब कोई बंदा परचेज करेगा आइटम तब आपको कुछ कमीशन मिलता है जो 1% से लेके 12%, 15%, 20% तक होता है। तो ये बेसिकली होता है एफिलिएट मार्केटिंग की। चलो आ गए प्रोसेस पे, एक नैरेटिव आ गया, मेक मनी बाय बिकमिंग एफिलिएट। तो करना क्या है आपको, जस्ट आपको ज्वाइन होना है, ज्वाइन का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडवर्टाइजिंग करनी है आपको, जैसा कि मैं बता रहा था, ज्वाइन करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक मिलने के बाद एडवर्टाइजिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग कहाँ करनी है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जैसे लाइक सपोज करो आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बहुत अच्छी है, आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, तो जस्ट आपको अपना लिंक देना है और वो मैं बताऊंगा कैसे एफिलिएट बना जाता है। बट अभी आपको समझना जरूरी है कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो सोशल मीडिया साइट लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, अगर वहां पे हो तो वो भी कर सकते हो। अर्निंग भी ऐसे आती है, तो अर्निंग के लिए चलो मैं लाइव आ गया हूं और लाइव देखिए अमेजोन एसोसिएट अप टू 12% का, मतलब ये है अमेजोन का जो हाईएस्ट कमीशन है वो 12% तक है, और 6% देखिए 10% स्पोर्ट्स, आउटडोर्स एंड हॉबीज पे है, 12% ऑफिस एंड स्टेशनरी पे है, ठीक है जी। अर्थ बिगेस्ट सिलेक्शन ऑन लाइक मैगजीन पे 10% है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जहां पे येलो कलर का मार्क है। अर्न 6% डिजिटल एंटरटेनमेंट, अर्न 4% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे है, 12% फैशन एंड शूज एंड गैलरी पे है, अर्न 10% हेल्थ एंड ब्यूटी पे है। तो यहाँ पे ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना कमीशन है। तो वैसे अगर हिसाब लगाया जाए तो 100 रुपये पे 6%, 6 रुपये, 6,000 का सामान है तो 600 रुपये। बट यू नो अगर आप कैमरा का रिव्यू करते हैं, मोबाइल का रिव्यू करते हैं, तो ये सब है, मैंने अभी आपको बताया, ज्वाइन, एडवर्टाइजिंग एंड अर्न, तीन काम करने पड़ेंगे बस आपको। ज्वाइन के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ रहा, एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी, और सेम वही प्रोसेस फ्लिपकार्ट पे है, मेक मनी बाय, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। और नीचे चलिए आते हैं, तो मेक मनी बाय बिकमिंग ए फ्लिपकार्ट एफिलिएट। एफिलिएट मैंने अब आपको समझा दिया है कि आप मूवी देख के आ रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देने आ रहा, बट आप यहां से कोई प्रोडक्ट लेते हैं अच्छा लगता है तो आपको रिव्यू करना है, ठीक है जी। तो बस लिंक मिलेगा, आपको उसको प्रमोट करना है, अपने पे ट्रैफिक लाना है, फ्लिपकार्ट पे ट्रैफिक लेके जाना है, जब उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा तो आपको मिलेगा कमीशन। अब कमीशन यहां देख लीजिए फ्लिपकार्ट का क्या है, बुक्स पे 6 से लेके 12% है, ई बुक्स पे वही है, मोबाइल पे अप टू 5% का, मतलब ये होता है कि 1 से लेके 5% तक, कंप्यूटर पे अप टू 6% का, मतलब है 1% से लेके 6% तक, ट्वाइस पे है 6 से 20% अप टू, और कैमराज पे अप टू 6% है। तो ये है, अब देखिए जो मैं कह रहा था आपको बताने के लिए कि एफिलिएट मार्केटिंग में आज लाइक
इतनी ब्रांडेड कंपनी है। देखिए आप सब लोग जानते होंगे, अगर आप ई कॉमर्स होंगे, अगर कोई सामान लेते होंगे, तो ई कॉमर्स साइट में एक साइट है mysmartprice.com ऐप, मेरे को, मैं बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि आप लोग इसको यूज करते होंगे, बट ये सिर्फ जानते होंगे कि आप प्राइस कंपेयर करते होंगे कि ये जो है अमेजन पे ये मोबाइल कितने का है, तो वो कंपेयर करके बता देता है कि फ्लिपकार्ट स्नैपडील पे ये माल कितने का है, तो आप इसलिए यूज करते होंगे। बट कभी आपने सोचा है कि ये जो कूपन दुनिया है, देसी डाइम है, ये ऐसा करती क्यों है? इनका भी तो कोई फायदा होता होगा जी। जी यही करती हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया एफिलिएट मार्केटिंग करती हैं। ये क्या करती हैं कि प्राइस को कंपेयर करती हैं, और आप क्या करते हो, वो लिंक देती हैं आप, वो अपने उस लिंक से आप जाते हो, आप परचेज करते हो, तो इनको मिलता है कमीशन। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। कि ये क्या कर रहे हैं, यूजर को एक अच्छा लाइक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो मतलब कंपेयर कर सके। आप ये सबके एफिलिएट हैं, वो स्नैपडील के भी हैं, फ्लिपकार्ट के भी हैं, अमेजन के भी हैं, आप कहीं पे भी जाके परचेस करोगे भैया इनका तो कमीशन बनने वाला है। तो ये कुछ नहीं कहती कंपनियां कि यहां से सामान मत लो, यहां से मत लो, ये कहती है कहीं से भी ले लो भाई, हमें तो मिलने वाला है। और मैं, अगर आप इनके बारे में विकिपीडिया पे जाके सर्च करेंगे इन साइट्स के बारे में, तो पता चलेगा आपको कि ये कितना अर्न करती हैं और इनका ब्रांड कितना बन गया। यू नो, अभी तो सिर्फ हम ऐसे ही जानते हैं कि ये है वो है, बट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये स्मार्ट प्राइस है, तो अभी विकिपीडिया का लिंक यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको स्पेस कम कर देते हैं, तो मे बी गूगल का एल्गोरिथम है वो बहुत तेज है, वो भी पता है कि कब उसको लाइक विकिपीडिया देना है, कब नहीं देना है। मे बी अभी आ गया होगा, तो नीचे चलते हैं। देखिए ये आ गया स्मार्ट प्राइस। स्मार्ट प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट प्राइस कंपैरिजन सर्विस वेबसाइट हेडक्वार्टर इन हैदराबाद इंडिया। कैटेगराइज इंक्लूड मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये सब है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए वेबसाइट है। अब कंपैरिजन ये वेबसाइट कर रही है तो इसे भी तो कुछ मिल रहा होगा, पागल दौड़ ना ये वेबसाइट। तो ये देखिए, इन दिसंबर 2013 में इसने रिसीव करा है 1 मिलियन फ्रॉम SL पार्टनर्स एंड हेलन वेंचर पार्टनर्स एंड अनदर 10 मिलियन। यू नो 10 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं। आप जाइएगा, पढ़िएगा इसके बारे में, आपको पता चलेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग से लोग कितना अर्न कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं लोग, मतलब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, और अगर आपको फ्लिपकार्ट पे ही देख लीजिए, इनका टेस्टिमोनियल फ्लिपकार्ट ने डाला हुआ है कि ये फ्लिपकार्ट के को क्या कहते हैं, वो चाहे स्मार्ट प्राइस हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग दुनिया हो, चाहे जितनी भी साइट्स हैं, वो क्या कहती हैं, वो जाके आप, इसका लिंक मिलेगा सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइक बहुत अच्छा लिखते हैं या बोलते हैं, या फिर आप बहुत अच्छा कंटेंट राइटर हैं, आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप ज्वाइन होए, एडवर्टाइजिंग करें, अर्न करें, और आप यहां से बहुत अच्छा रिवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। एफिलिएट मार्केटिंग जैसा कि आजकल हर लोग ही कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। फैन फॉलोइंग कैसे, जैसे आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपके फॉलोअर्स होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं लाइक फेसबुक पे हैं, आपका फैन पेज है और उस पर बहुत सारे लोग लाइक कर चुके हैं, और लाइक सपोज करो 1 लाख पेज हैं, मतलब 1 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक फैन पेज पे, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू डालते हो, जेन्युइन रिव्यू करो, पहली बात तो ये, जेन्युइन रिव्यू करो, वहां पे अपना प्रोडक्ट का पेज मतलब प्रोडक्ट का रिव्यू डालते हो, तो 1 लाख में से सपोज करो कि 1000 बंदों ने ले लिया, सोचो, छोड़ दो, 10 बंदों ने ले लिया, 10,000 का प्रोडक्ट होगा तो सपोज करो 1000 10,000 12,000 रुपए ऐसे ही बन जाएंगे आपके। ऐसे ही आप डेली 2-4 प्रोडक्ट के, आप महीने में सोच लो, अगर एक दिन में 10,000 कमा रहे हो तो लाइक, ये फिर मैं वही कहूंगा कि ये कोई एक दिन में आप लखपति करोड़पति नहीं बन जाओगे। अगर आप बड़े स्केल पर सोचना चाहते हैं तो आप स्मार्ट प्राइस, देसी डाइम, कूपन दुनिया, ठीक है, इनकी 99 मोबाइल, इनकी तरह सोच सकते हैं। आप एक अपना ऐसा पोर्टल स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप भी ग्रो अप कर सकें, लेकिन होगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, आपको अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी, अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा,
ठीक है जी। लेकिन यह सच है कि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत पैसा है। हम जैसे यूट्यूबर्स आप देखते होंगे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं और ये जरूर कहते हैं बेस्ट बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इनका रीजन क्या होता है कहने का, कभी आपने सोचा है? वो लाइक ट्राइपोड का हो गया, कैमरे का रिव्यू करते हैं। सपोज करो एक कैमरा 80,000 रुपए का है, उसका रिव्यू किया और फिर वो बोला कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके खरीद लें। आप गए वहां से ले गए, अब 80,000 पे 4% कमीशन आप जोड़ो कितना होता है? इतना तो ब्याज से भी लोग नहीं कमाते होंगे। ब्याज पे भी पैसा लो तो भैया 2% से ज्यादा 1% पे नहीं मिलता है। तो ये है, एक तो यूट्यूब से कमा सकते हैं लोग, ठीक है। दूसरा आप प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो, उससे एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हो। वो सेम प्रोसेस कहीं भी लागू हो सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग, फेसबुक पे भी आपकी फैन फॉलोइंग है तो आप वहां भी डाल सकते हैं। तो ये था, अगर अभी आपको एफिलिएट मार्केटिंग समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइए। और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको नहीं आता है कि हाउ टू रजिस्टर लाइक एफिलिएट मार्केटिंग कैसे बने, तो एक ट्यूटोरियल और है मेरा यूट्यूब पे, उसे जाके देख सकते हैं कि कैसे हम एफिलिएट मतलब बन सकते हैं। तो और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना पड़ेगा। और भी लोगों को आप बताना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इससे लोग पैसा कैसे कमाते हैं, तो इस वीडियो को आपको शेयर भी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये था इस वीडियो में। और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और यस, पैसा कमाइए, मौज उड़ाइए, ऑनलाइन का यही जमाना है। थैंक यू सो मच।